दो कैदियों का मेरे हवाले कर दो। लेकिन अभी तो ये कैप्टन साहब का ऑर्डर है। अपने कैप्टन साहब से कह दो कि हम मासूम कैदियों का कत्ल नहीं होने देते। मुझे ऑर्डर्स मिले हैं। मुझे भी ऑर्डर हासिल करने होंगे। जनाब सर, उन लड़कों की मौत के लिए भी लोग फौज को ही जिम्मेदार ठहराते, इसलिए मिलिटेंट्स की इंटरनल लड़ाई दिखाने के लिए मैंने तुमने दो मासूम कैदियों को मारने की सोची। मासूम कोई नहीं है सर, ये सब के सब साले कातिल हैं, बस मौके की तलाश में घात लगाए बैठे रहते हैं। कश्मीर, काश यहां इंसान के पैर न पड़े होते। कैप्टन सिंह, अंडर नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस मैं इस हरकत के लिए आप पर एक्शन जरूर लेता, लेकिन आई नो दैट यू आर अंडर लॉट ऑफ प्रेशर, सो आज की बात आप सिर्फ मेरे डायरेक्ट ऑर्डर्स के नीचे काम करेंगे। इज दैट क्लियर? यू आर माय कमांडिंग ऑफिसर सर, आपके ऑर्डर्स फॉलो करना तो मेरा फर्ज है। ऑफ कोर्स इट इज कैप्टन सिंह, ऑफ कोर्स इट इज। और ये बात आप कभी मत भूलिएगा, समझे? कुछ शक नहीं सर। तो हमारे दुश्मन ये स्कूली बच्चे हैं। इन स्कूलों में बच्चे नहीं, जिहादी पैदा हो रहे हैं सर। कैप्टन सिंह, हर तालाब में गंदी मछलियां होती हैं। तो तालाब की गंदी मछली का असर भी तो आप जानते हैं ना सर, वो उन तीनों की लाशों के आसपास दो और मंडरा रहे थे, एक लड़का था और एक लड़की भी थी। गंदी मछली तो हर तालाब में मिलेगी, जरूरत है तो बस उस गंदगी को फैलने से रोकने की। पूरे स्कूल में मातम का सा माहौल छाया हुआ है। जरूर नहीं, जरूर शौक से कीजिए। पूरे स्कूल से कोई भी ऐसा बच्चा है जो इन चीजों में इन्वॉल्व हो सकता है। लेकिन ये बात तो सच है कि आप ही के स्कूल के तीन बच्चों को मार दिया गया है और पास हथियार बरामद हुई है, तो सॉरी बट वी हैव टेक अ प्रोटोकॉल। वो फौजी मुझे पहचान तो नहीं लेगा। तुम घर चले जाओ। कुछ दिन पहले कोई है। मैं टीचर से कह दूंगी तुम्हें पेट दर्द था। कैसे जाऊं? कैप्टन सिंह सर, एनीथिंग? जा रहा है। सभी एक जैसे लगते हैं। कोई नहीं, वेलकम बैक। अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन मिले तो हमें जरूर बताइए। श्योरली सर। ऑलराइट कैप्टन, लेट्स गो। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। तुम्हें पता चला ज़हीर कादिर का कत्ल हो गया है? हाय अल्लाह, ज़हीर कादिर? और उसका कत्ल करने वाले तीन स्कूली बच्चे थे, वो भी सिकंदर के स्कूल के। सिकंदर तो ठीक है ना? हाँ, वो स्कूल से वापस आ गया जल्दी, कुछ पेट दर्द था। अच्छा, कहाँ है वो? कर्नल साहब, मुझे ये सब मजबूरन करना पड़ा।
जेगिर ने मुझे मेरे पूरे खानदान को खत्म करने की धमकी दी थी। जेगिर के साथ तुम्हारी आखिरी मुलाकात कब हुई थी? उस रात मैंने जब उसे उस लड़के के बारे में इत्तला दी थी।